शाम और रंगीन आसमान दोनों का मेल आपको कुछ पसंद या नापसंद आ सकता है पसंद और नापसंद से एक किस्सा मेरे घर में बहुत मशहूर है जो अक्सर मेरी माँ कहा करती थी कि उन्हें बचपन में करेला बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें लगता था करेला भी क्या खाने की चीज़ होती है वो करेला कभी नहीं खाएँगे परंतु एक दशक से मेरी माँ ने डायबिटीज़ के बाद करेले को अपने आहार का एक ज़रूरी भाग सहजता से बना लिया पर यही जीवन का एक सार भी है जिस चीज़ से आप जीवन भर भागते हैं ना पसंद करते हैं अंत में वही आपके साथ चलती दिखती है बदलाव को सहजता से अपनाना ही आपकी बहुत बड़ी जीत है